शेन बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कि अय्याज सादिक के कौमी असेंबली में कौमी सलामती के हवाले से मुतनाज़ा बयान की गूंज अभी तक बरकरार है और मुल्क की सियासत उसी एक बयान के गिर्द घूमती हुई नजर आती है। आज फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ और उस इजलास में भी अय्याज सादिक का बयान जो है वो सामने रखा गया, उस पर बहस की गई और हुकूमत का, वफाकी काबीना का, वजीर आजम का मौकफ रहा कि जी इस सारे खेल के पीछे नवाज शरीफ खुद हैं और इस सारे खेल को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पे भी फेडरल कैबिनेट ने आज मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया लेकिन बातचीत से आगे नहीं बढ़ रही। दूसरी तरफ अय्याज सादिक है वो अपने बयान पे डट के खड़े हैं। कौमी असेंबली में बयान देने के बाद से आज पहली बार वो एक बार फिर मंजर आम पे आए। उन्होंने कहा कि जी बस कर दे, बहुत हो गया, बहुत लग गए मुझ पे गद्दारी के तोहमतें और मुल्क की सलामती के खिलाफ इल्जामात, अब बस कर दें। और साथ ही धमकी भी दे दी कि अगर अब बस नहीं किया गया तो ऐसा ना हो कि मजबूर होके वो कोई मजीद ऐसी बातें अफशा कर दे। तो अय्याज सादिक साहब का इस धमकी देने का मकसद क्या है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी एक और अहम और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रही कि वजीर आजम की बरियत का इस्लामाबाद की एटीसी ने फैसला जारी कर दिया। पीटीवी पार्लियामेंट पे हमले में वजीर आजम की बरियत का, अब नून लीग इस पे बहुत तपई भी है और सटपटाई भी है, बहुत गुस्से में भी आई है। और नून लीग ने मुतालबा कर दिया है, दो मुतालबे के जी, एक तो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें वजीर आजम की बरियत का, पीटीवी पार्लियामेंट में हमले का, और दूसरा ये कि फिर हम पर भी केसेस खत्म किए जाए जिस तरह वजीर आजम पे केसेस खत्म किए जा रहे हैं। और ये कहने वाले कोई और नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस देने का मुतालबा करने वाले कोई और नहीं है, नून लीग के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं राणा सनाउल्लाह साहब। और साथ ही ये भी कह दिया कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं लेगी तो फिर नून लीग सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करेगी। इन्हीं सारे मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन राणा सनाउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून की बहुत जबरदस्त, बहुत अहम शख्सियत हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। आप दबंग बयान देने के लिए मशहूर तो हैं लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ पर बयान बहुत ज्यादा दबंग आ गया है और इसमें जो कुछ हल्के हैं वो यही तनकीद कर रहे हैं कि जब नून लीग सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करती है और कहती है कि अगर सुमोटो ना लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो फिर याद माजी वहां ले जाती है जब सुप्रीम कोर्ट पे नून लीग ने हमला किया था। ये बहुत एतराज कर रहे हैं हल्के, आप पे क्या कहेंगे? देखिए ये जो हल्के ये बात कर रहे हैं शायद उन्होंने मेरे बयान को समझा नहीं है। वहां पे कोई एहतजाज जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होने नहीं जा रहा। मैंने बड़ी सराहत के साथ बताया है कि वहां पे जो लोग भी जाएंगे सब, एक तो पहली बात तो ये है कि वो खिलाफ होंगे और मुस्लिम लीग नून लायर फोरम, मैं खुद एक अदना वकील हूँ, हम उसको लीड करेंगे और हम वहां पे जाके मुलाकात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मुंतखब सदर लतीफ अफरीजी साहब से। हम वहां पे मुलाकात करेंगे आबद साकी साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन है, हम उन्हें अपनी ये ग्रीवेंस भी पेश करेंगे और साथ ही उनके थ्रू अपनी ग्रीवेंस जो है वो कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तक भी पहुंचे और हमारी ये उनसे यानी सबमिशन होगी, गुजारिश होगी कि वो इसका नोटिस लें। नोटिस किस बात का लें कि एक तरफ 6 साल बाद एक ऐसा मुल्जम जिसके जुर्म को पूरी दुनिया ने देखा टीवी की स्क्रीन पे, लेकिन इमरान खान खुद तो हमले में मुलव्वस नहीं थे। जी मुलव्वस थे। कैसे मुलव्वस थे? बाकायदा ये दोनों मुलव्वस थे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, अलवी साहब की और इमरान साहब की। आप वो
वीडियो क्लिप जो है वो तो सारी दुनिया ने सुनी है, जब उन्होंने पीटीवी के ऊपर कब्जा करके जो है वो बताया, उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से जो है ये इस्तीफा देंगे। फिर उसके बाद कंटेनर पे चढ़ के जिस तरह से लोगों को उबारा, जिस तरह से वो रात को पेशकदमी हुई, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, एक एसपी को वहां पे जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, वो सारी चीजें पूरी कौम ने, पूरी दुनिया। लेकिन राणा साहब, जिस दिन हमला हुआ मैं खुद वहां पे मौजूद थी, हम लोग कवरेज कर रहे थे उस वक्त, हमले के फौरन बाद इमरान खान साहब कंटेनर पे आए थे, उन्होंने कहा था कि जी ये हमारे कार को नहीं है, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गए हैं खुद से तो फौरन वापस आ जाए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जी मेरे कार को नहीं गए पीटीवी पार्लियामेंट पे हमला कर। ये बात की बात है, आप बात की बात कर रहे हैं कि जब इसके ऊपर जब तनकीद शुरू हुई है, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब फिर लान तान शुरू हुई इस बात के ऊपर, तो ये उस वक्त की बात है। अब सारा कुछ जो है ये पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश हुई, 6 साल बाद प्रोसिक्यूशन। हमें बरी होने पे इतराज इसलिए है कि प्रोसिक्यूशन ये कह रही है, प्रोसिक्यूशन कह रही है कि जी ये तो 6 साल आपने जो है वो वक्त जाया किया है, ये कीमती वक्त जाया हो रहा है इसका जो है अदालत का, तो प्रोसिक्यूशन ही जो है वो केस को वापस ले रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो केस वापस ले रही है और इस तरह से, लेकिन राणा साहब अगर आप बरियत के खिलाफ हैं वजीर आजम की पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में, तो फिर आप उसके खिलाफ अदालत चले जाएं, अपील में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दें, ये क्या बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अहदेदारों से बात होगी। एहतजाज के लफ्ज को अगर आप इसमें बदल दें कि हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी, हम ये अपने ऊपर होने वाला जुल्म, अब देखे ना, एक तरफ तो ये बरियत हो रही है कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉल कर रही है, और दूसरी तरफ जो है वो 120 अरशद बलक तलाश किए जा रहे हैं ताकि अपोजिशन सारी जो है इसको 6 माह के अंदर अंदर सजाएं दिला के जो है इसको फारग कर दिया जाए और इनकी राह में कोई रुकावट ना रहे। तो राणा साहब अदालत चले जाए ना, अदालत चले जाए ना पिटीशन लेके, सुन ले ना। और ये बात कौन कर रहा है, ये बात कर रहा है कि वफाकी वजीर के जनाब 6 माह में सफाया हो जाएगा, तो अब इसके बाद हम अदालत ना जाए तो कहाँ जाए। नहीं, अदालत के बाहर नहीं, अदालत के बाहर नहीं, अदालत के अंदर पिटीशन लेके जाए। जी अदालत के अंदर जाएंगे बिल्कुल, वो पिटीशन जो है हम जो चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के आबद साकी साहब, उनकी खिदमत में पेश करेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के सदर की खिदमत में पेश करेंगे, उनसे कहेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक हमारी जो है ये गुजारिश जो है वो उन तक। सर वो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं ना, सर वो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं एक पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जी बात ये है कि एक तरफ जो है ये प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉल कर रही है, दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन जो है वो 120 अरशद मलक बैठा रही है ताकि अपोजिशन का जो है ना वो या पांचा जो है ना वो कर दिया जाए 6 महीनों में। इस जुल्म के खिलाफ जो है वो, क्योंकि ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जेरे समात है, इसलिए ये पिटीशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही और ये अपील जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ही की जा सकती है। ठीक है। और राणा साहब एक आखिरी सवाल आपसे 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से, क्योंकि उसकी जो मेन कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग सुपरवाइजिंग, आप उसके भी मेंबर हैं और बड़े बाइज्जत मेंबर हैं उसके, 13 दिसंबर का आपका लाहौर का जलसा क्या मीनार पाकिस्तान भर देंगे, क्योंकि आपका मुकाबला किया जाएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मीनार पाकिस्तान पे होने वाले जलसे से, तो क्या पीडीएम खासतौर पर नून लीग मीनार पाकिस्तान जो है इस जलसे के लिए कम पड़ जाए। अच्छा, इतना जबरदस्त भर देंगे आप? जी इंशाल्लाह, देख लें, ये चैलेंज होगा आपके लिए। नहीं नहीं, ये आज तक इंशाल्लाह ताला लाहौर की तारीख में इतना बड़ा जलसा जो है वो नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब, हमारे सवालात के तफसील से जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम में डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और अब मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मौजूद हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वजीर आजम के मुआविन खसूसी फॉर यूथ अफेयर्स उस्मान डार साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं माइजा हमीद साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं निसार खोड़ो साहब,
वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। उस्मान डार साहब, पहला सवाल आपसे, अय्याज सादिक साहब का बयान आज फेडरल कैबिनेट में भी वो डिस्कस हुआ और फेडरल कैबिनेट ने कहा कि जी ये सारे खेल के पीछे नवाज शरीफ है। अय्याज सादिक ने अलबत्ता धमकी दे दी, उन्होंने कहा जी बस कर दें, बहुत हो गए मुझ पर इल्जाम गद्दारी के और मुल्क दुश्मनी के, बस नहीं की तो मैं और भी बहुत कुछ खोल दूंगा। देखिए इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि अय्याज सादिक साहब किसकी जुबान बोल रहे थे या किसका बयानिया था। डे वन से आप इनके गुजरांवाला जलसे से देख रहे हैं अय्याज सादिक साहब की जो लीडरशिप है, किस तरह के बयानिया रियासत मुहालिफ इदारों को कमजोर करने के लिए, रियासत को कमजोर करने के लिए, आर्मी चीफ पे DGISI। लेकिन ये भी बात गौरतलब है और बल्कि शर्मनाक है, ये क्या स्टेटमेंट है जी मैं और चीजें खोल दूंगा, क्या मकसद, कौन से मुल्क की राज, कोई मकसद। ये इनकी टोन देखें, बजाय कि इनको नदामत होती उस स्टेटमेंट पे जो इन्होंने किया, जिस तरह का वो मजम्मत वाला बयान नहीं था, शर्मनाक बयान था। तो उसके ऊपर ये जो तो PMLN के लोगों के जमीर मैं समझता हूँ जाग रहे हैं, वो तो उन्होंने उस पर मजम्मत भी की है और उन्होंने क्या करने जा रही है इस बयान के बारे में, अब तक तो सिर्फ बयान ही सामने आ रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मुकदमात का तो बात का मामला, पहले तो पार्लियामेंट के अंदर ही कोई कमेटी बननी चाहिए थी जरूर, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट है जानबूझ के दिया गया जो कि नजर आ रहा है नून लीग इसके पीछे खड़ी है इस बयान के, तो इस पे जरूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस, जब आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन आपको जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देनी चाहिए, बिलखसूस जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, मुल्की सलामती की बात हो रही है, एक तरफ हमारी कौम की जो जीत थी, हमारी अजीम पाक फौज की कुर्बानियां सबके सामने, जो उनकी जीत उसको बुजदली में तब्दील किया गया, ये तासुर दिया गया। अगर ये शाह महमूद कैशी साहब की भी बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, वो टांगे पाकिस्तान की कांपने की बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा एक मुल्क का चेहरा है। आप जब बात शख्सियत के बारे में नहीं हो रही, बात रियासत के बारे में, रियासत के बारे में हो रही है, ये कोई PTI के वाइस चेयरमैन के बारे में स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, इनको इस बात का एहसास ही नहीं है, कभी शाह साहब की तरफ निकल जाते हैं, कभी राइट कभी दाएं कभी बाएं, जब तक इनको इन बातों का एहसास नहीं होगा। देखिए हमारी गवर्नेंस पे बात करें, हुकूमत पे बात करें, अदारे इनसे पूछे ना इनको नैब की समझ आ रही है, ना इनको FIA की समझ आ रही है, ना इनको रेंजर्स, जो इन्होंने कोशिश की रेंजर्स को भी मलाइन करने की कराची जलसे के बाद, उसके बाद इनको अदालतों की समझ नहीं आ रही, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहां गई, उसके बाद वो तो चले जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने लानी है, और उसके बाद अदालतों के ऊपर जिस तरह आज राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं जी अदालत के फैसले के बाद, फिर वो 5 जजेस जिन्होंने नाहल किया इन्हें, उन्होंने कहा कि ये सादर को मीन नहीं है, फिर असीम पाक फौज, कौन सा ऐसा अदारा है मैं गरीदा इनसे पूछता हूँ कि जिसकी इनको आज समझ आ रही है, कोई मुल्की अदारे एक का नाम बताएं जी ये हमारी समझ में है कि ये ठीक काम कर रहा है, अदालतों समेत मैं इनसे पूछता हूँ। माइजा हमीद साहिबा, कौन सा एक इदारा ऐसा है जिसकी तौकीर में आपने कुछ कसर बाकी छोड़ दी है और जिसपे आपको एतमाद नहीं है या जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है? या सादिक का बयान देख लें, बड़ी तफसील से उस्मान डार साहब ने बता दिया, राणा सनाउल्ला कहते हैं कि जी नोटिस लें, हालांकि अदालत ने फैसला किया इमरान खान को बरी कर दिया, बट राणा सना कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें वरना हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। देखिए एहतजाज करना हमारा हक है, एहतजाज हम करेंगे और एहतजाज से ये डरते हैं, और उस्मान डार साहब जो हैं वो जो इदारों की बात बार बार करते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान साहब की जब जबान फिसली थी और उन्होंने कहा था कि नैब मेरे अंडर है, कहने लगे थे और फिर चुप कर गए थे, उससे साफ जाहिर होता है कि इदारे जो हैं वो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर हैं और किसके दबाव के अंदर हैं। तो ये बातें करना छोड़ दें कि इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इदारों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। और नहीं तो आप कहना चाह रहे हैं कि ATC ने जो आज फैसला दिया है वो ATC भी इमरान खान के अंडर है, वजीर आजम के अंडर है, दबाव के अंडर है? देखें क्या पूछा आपने, ATC ने जो आज दहशतगर्दी की इंसदाद ने जो आज अदालत ने फैसला दिया है, आप कह रही हैं कि वो ATC भी इमरान खान के दबाव के अंदर है? नहीं देखिए मैं ये कह रही हूँ कि जो इदारे इंतकामी काम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग जो हैं वो बोल रहे हैं और इनकी गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं या इनकी जो नहीं, राणा सरा ने कह दिया, राणा सरा ने कहा कि जो ATC ने फैसला दिया है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो ATC इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने भी वजीर आजम के दबाव के तहत फैसला दिया? देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं यही कह रही हूँ कि हम इदारों को जो भी इदारे दबाव इनके दबाव में है वो साफ नजर आता है,
वो राणा सनाउल्लाह साहब की भी यही बात कहने की का मतलब है कि जो इदारे सामने जो हैं वो दबाव में हैं और वो इंतकामी सियासत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम अदालत एहतजाज करेंगे। अदालत लेकिन दबाव में, वही हम तो पूछ रही हूँ, वही तो पूछ रही हूँ, वही तो इसमें पूछ रही नहीं हूँ। अदालत राणा अदालत सनाउल्लाह ने अदालत एबीसी के फैसले की बात अदालत की है ना कि इमरान खान को बरी नहीं, कैसे आप कर मुझे दिया। बात कंप्लीट नहीं करने दे रही, अच्छा चलें बात आप कंप्लीट मुझे करें, बात अच्छा कंप्लीट बात नहीं करने कंप्लीट दे करें। रही। बात देखिए गरीदा, बात ये है कि देखिए अदालत का तो हम पूरी तरह एहतराम करते ठीक हैं, हो गया, अदालत में तो हम पेश होते हैं और सारी जो तारीखें हैं उन पे हम बाकायदा पेश होते हैं, और अब तो बख्तरबंद गाड़ियों में पेश होते हैं। बात ये है कि अगर जो है हम उधर कहीं धरना देते हैं तो हमारा कोई रिजर्वेशन होती है तो हम धरना देते हैं। धरने इन्होंने इतने ज्यादा दिए, हर जगह धरने दिए, उस वक्त तो किसी को कोई इतराज नहीं हुआ। जब पार्लियामेंट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई गई थी उस वक्त तो कोई तोहीन नहीं हुई थी। तो बात ये है कि एहतजाज करना हमारा हक है, जलसे करना हमारा हक है, रैली करना हमारा हक है, और वो हम जरूर करेंगे। और उसमें जो है अगर जो भी ये बात करें अयाज सादिक साहब की, इनको फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट याद नहीं आ रही? जो फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो तो इंडियन चैनल्स ने जो है मेरा ख्याल है अयाज इंडियन सादिक प्राइम साहब से मिनिस्टर ने, ज्यादा चलाई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो वो फवाद ने उसका आगे चल के जो है क्लैरिफिकेशन भी दे दी एग्जैक्टली थी, लेकिन इंडिया इंडिया कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है या इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। बिफोर आई गो टू द ब्रेक, निसार खोड़ा साहब हमारे साथ हैं। जी हेलो, जी सलाम वालेकुम निसार खोड़ा साहब। कैसी हैं आप? सब मैं ठीक खैर हूँ, थैंक यू वेरी मच। खोड़ा साहब आपने वीडियो पे आना था लेकिन चले ऑडियो पे ही आपसे सवाल जवाब कर लेते हैं। खोड़ा साहब ये फरमाए कि अब नून लीग आपकी इत्तेहादी है पीडीएम के अंडर, आज राणा सिन्हा ने कह दिया कि जी वजीर आजम को जो बरी किया है एटीसी ने पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस पे, उस बरियत को हम नहीं मानते और इस बरियत के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। आप नून लीग के इस रवैये के साथ हैं, इसको जायज समझते हैं? भाई अभी बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, अब साफ सियाह और सबाक का फैसला होना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा कि उसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उसको बदनाम अपनी जगह पे किया गया। इमरान खान ने पार्लियामेंट को दो नंबरी कहा, पार्लियामेंट को लानत भेजी और पार्लियामेंट पर हमला भी किया, उसको छोड़ दिया जाता है। पार्लियामेंट पे हमला कहाँ किया, इमरान खान खुद तो शामिल नहीं थे उस मॉब में, उस हुजूम में? जनाब ए आली धरना जो दिया था वो पार्लियामेंट के ऊपर इमरान खान साहब की लीडरशिप पे दिया गया था। इमरान खान साहब तो आप लोग जो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे वो क्या पार्लियामेंट पे हमला होगा? नहीं होगा ना, मैंने कहा क्या कि पार्लियामेंट के बाहर आके करेंगे, तब डी चौक पे आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? ये बात सुने, पार्लियामेंट पर अंदर घुसना गलत है, तो इमरान खान तो नहीं गए ना, मैं यही सवाल कर रही हूँ, इमरान खान नहीं, तो नहीं, नहीं गए हुजूम के साथ अंदर? आप आराम से प्लीज, पार्लियामेंट के बाहर जलसा करना डी चौक पे हो, फलांग रोड पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, वो जलसा कानूनी नहीं हो सकता, गैरायनी भी नहीं है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। ठीक, पार्लियामेंट के जंगले को टापना गलत है, ठीक, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें इमरान खान, टीवी इमरान खान कब टीवी कूदे, इमरान खान कब कूदे पार्लियामेंट का जंगला? जनाब जब टीवी स्टेशन के छलांगे मारकर और वो ग्रिल के ऊपर छलांगे मारकर जाया जाए तो वो गलत है। खोड़ो साहब मैं वहां मौजूद थी उस दिन, कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए ये इमरान खान ने किया या जनरल मुशर्रफ के लोगों ने किया, मैं सबको एक जुमरे एक लाइन में खड़ा करना चाहता हूँ। टीवी स्टेशन पर हमला, जो दरवाजे या छलांगे मार के, वो जो सलाखे छलांगे मार के टापे गए वो गलत था, चाहे वो इमरान खान हो चाहे जनरल मुशर्रफ के साथी हो। खोड़ो साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, माइजा हमीद साहब, उस्मान डार साहब मौजूद हैं, अपोजिशन बजिद है कि जी इमरान खान ने ही हमला किया था, उस्मान डार साहब से पूछेंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। उस्मान डार साहब, ओपोजिशन बजीद है, माइजा हमीद भी इसरार कर रही हैं, खोड़ो साहब भी कह रहे हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब टापे थे पार्लियामेंट के जंगले, इमरान खान साहब कूदे थे पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर, तो जिम्मेदार इमरान खान है, कैसे बरी हो सकते हैं इस केस में से? देखिये रिदा, एक तो मुझे खुशी है पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, देख रही है इनका दौरा मियार, जो अदालतों से फैसले इनके हक में आते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, उन अदालती फैसलों को ये सहराते हैं, और जो मनपसंद फैसले इनको नहीं मिलते उसके ऊपर ये क्या रवैया रखते हैं, क्या बयानियां रखते हैं। ठहर जाएं जरा, एक मिनट ठहर जाएं, पहले मेरी बात सुन लेते, बात कम्प्लीट कर लेते, आप उसका भी जवाब दे दें। मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहती भाई, बात यह है कि मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि सिर्फ पार्लियामेंट के जो जंगले थे उनके वो नहीं टापा गया था, क्रेने लेके आई गई थी और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया गया था और आपके सारे टीवी चैनल्स दिखा रहे थे, तो इंडियन मीडिया क्या देख रहा था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही लोग जो हैं, पाकिस्तान के की एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर रही है क्रेनों के साथ, और पीटीवी की बिल्डिंग जो नेशनल हमारी बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है वो छलांगे मार के उसका कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, इससे क्या इमेज जाती है? इमरान खान कहाँ शामिल थे? अच्छा, उसमें इमरान खान कहाँ शामिल थे? और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन और आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब की ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि ये बहुत अच्छा काम किया है और बड़ा जो है ये। तो आप लोग अदालत में चले जाए ना, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप लोग एक पटिशन बनाएं, दरखास्त बनाएं, उसमें सारे ये एविडेंसेस शामिल करें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो आज एविडेंसेस नहीं दे सका, तो आपके पास अगर एविडेंसेस हैं तो नून लीग अदालत चली जाए। हम हर लेंथ पे जाएंगे, हमारा एहतजाज करने का भी हक है, हमारा पटिशन देने का भी हक है, हम हर लेंथ पे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट उस्मान डार साहब। अच्छा चलें, अच्छा हुआ आपने कहा कि मैंने बात करनी है, आपका एक और झूठ कौम के सामने आ गया और एक इंकशाफ आज किया है माइजा ने कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस आज तक गई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस मैं कौम को बताना चाहता हूँ, सुन तो मैं बताता हूँ ना, मैं अभी बताता हूँ, सुन लो ना, हौसला से सुन लो मैं क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस डी चौक से कम अज कम 500 मीटर अंदर करके है और 3-4 दफा रास्ते में सिक्योरिटी है, आपके एमएनएस भी मियां साहब को शायद साल बाद जाके मिलते थे, तो इसलिए ये कहना कि जी वर्कर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस के कोई फुटेज दिखाएं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चले गए हो, एक बात ठहर जाए ना, बोलने दे, मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, जवाब तो सुन ले का हिस्सा है। अच्छा ठीक है, वीडियो क्लिपिंग है, ठीक है, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है माइजा, माइजा उस्मान साहब का जवाब सुन ले उस्मान साहब। चलें, एक तो मैं इसे क्रेन मंगवाई थी उस्मान साहब, मैं माइजा को चैलेंज करके जा रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसकी ये बात कर रही हैं, मैं कल आपके शो में दोबारा आऊंगा, ये फुटेज लेके आए आपको, हमको दिखाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आप कायम रहना माइजा, ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि कल फुटेज चलेगी, मैं रिदा आऊंगा प्रोग्राम कर, चैलेंज कबूल करें ना, चैलेंज कबूल करें, चैलेंज कबूल करें, कल आप और मैं करेंगे इकट्ठे शो रिदा के साथ, आप फुटेज लेके आएंगी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, नहीं पहुंचे थे आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की फुटेज लाएंगी, कमिटमेंट करें ताकि हम कल प्रोग्राम करेंगे, इनसे कमिटमेंट लें। माइजा, माइजा आप चैलेंज कबूल करती हैं, कमिटमेंट देती हैं, फुटेज लेके आएंगी जिसमें इमरान खान, मैं बता रही हूँ चलिए, अब आपने कल आना है रीता, आपने हम दोनों को बुलाना है, कल कैब आ गया कि आप कल फुटेज लेके आएंगी, एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के जंगले फलांग के प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास है, और उसके बाद इमरान खान की आप वीडियो लेके आएंगी जंगला फलांगते हुए कि वो कौन सा जंगला फलांग के किसी पार्लियामेंट पे किसी पीटीवी पे हमला कर रहे थे, अब आपने कल आना है, मैं तो आऊंगा चाहे कल अकेला क्यों ना बैठूं यहाँ आके, अच्छा, दूध का दूध पानी का पानी कल ही होगा रीदा के प्रोग्राम में, पूरी कौम देखेगी कि माइजा फुटेज लेके आती हैं। जी माइजा, वो जो इनकी वो वीडियो वो रिकॉर्डिंग है जिसमें इन्होंने इमरान खान साहब और आरिफ अलवी की बात है, अब कहां से कहां बातें जा रही हैं, वो
भी आपने चलानी है, ठीक है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग तो सबके पास मौजूद है, लेकिन आप स्मानदार चैलेंज दे रहे हैं आपको, जो कि आपने कबूल कर लिया कि इमरान खान पीएम हाउस का जंगला फुलांग के अंदर कूदे हैं, अंदर हमला किया है, उसकी फुटेज आप लेके आएंगे कल, राइट? आप ये उस्मान डार साहब अजीब मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, या इनको मेरा ख्याल है आज कोरोना की वजह से कानों का मसला हुआ है। मैंने उन्हें ये कहा है कि इनकी इंस्ट्रक्शन की वजह से सारी लीडरशिप तो यही थी ना इनकी इंस्ट्रक्शन। नहीं, आपने कहा था कि इमरान खान ने पीएम हाउस पे हमला किया, आपने कहा था कि इमरान खान ने पीएम हाउस पे हमला किया, वो अंदर कूदे थे। इमरान खान की वो जब किसी के हुक्म के ऊपर जो है आप पीएम हाउस पे हमला करेंगे तो उसका मतलब यही है ना कि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान खुद तो हमले में मुलव्वस नहीं थे ना। अच्छा चले, मैं इनको मजीद रिलैक्सेशन देता हूँ। चलो आप ना, आप हमारे किसी वर्कर की भी वीडियो ले आए प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने की, मैं आपको कह रहा हूँ एक वर्कर भी, पीटीआई का भी चैलेंज दे, छोड़ो इमरान खान को। आपने पीएम हाउस की लेके आनी है वीडियो, जो आप इल्जाम लगा रही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो घुसे जंगले फलांगे वर्कर्स ने भी, वो भी वीडियो लाए वर्कर्स की बात कर। उस्मानदार साहब आपने वो रिकॉर्डिंग भी लानी है। अब आप एक बयानी है पर ना, सुना दे। आपकी लीडरशिप भी ऐसे ही करती है। नहीं, मैं बयानिया की तरह उछल कूद करते हैं आप लोग, जैसे मेंढक उछल कूद करते हैं। ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान की नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया था डंडों से हमला सुप्रीम कोर्ट में, 90 की दहाई में डंडों के साथ आपके लीडर ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। गद्दार कहना चाहिए जो पीटीवी पे अटैक करते रहे, उन लोगों को गद्दार करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। लेकिन भाईसा, आप ये चैलेंज तो कबूल करती है उस्मान डार का कि जो पीटीआई के वर्कर्स के जंगले फलांग के पार्लियामेंट के अंदर जाते रहे, उन लोगों को गद्दार कहना चाहिए। माइजा मेरी बात सुनिए, उनको लानत भेजते रहे और आज जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन के उसी पार्लियामेंट में बैठे हुए। अच्छा माइजा मेरी बात सुनिए, आप ये चैलेंज तो कबूल करती हैं कि चले इमरान खान छोड़ दें, उनके फुटेज आपके पास नहीं है, आपने वैसे ही जज्बात की रो में आके कह दिया, लेकिन जो पीटीआई का वर्कर भी पीएम हाउस के अंदर कूदा, अच्छा जो पीटीआई का वर्कर पीएम हाउस के अंदर कूदा, उसकी फुटेज आप लेके आएंगी? देखिए मेरी बात सुने, ये वो भी नहीं कूदा, कूदा नहीं, मैंने कहा है पार्लियामेंट के अंदर जो है पीएम हाउस खत्म हो गया। आपने वाइजर पीएम हाउस की बात से एक से ये भागे हैं ना, मजीद आगे प्लीज आप ना, आप लोगों को, आप लोग झूठों का पलंदा जो है ना अपने प्लीज किसी तरह कहीं और यूज करें। मैंने सिर्फ ये कहा है कि करेने एक करेन लेके गई गए थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला आवर हुए थे। अच्छा वो वाली फुटेज मिल रहा है? अच्छा भाई साहब वो वाली फुटेज मिले प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, मुझे क्रेन दिखा दे चले आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर क्रेन दिखा दे। एक और रिलैक्सेशन दे दी आपको उस्मान डार साहब ने कि चले पीएम हाउस के बाहर क्रेन दिखा दे 2014 वाली दिखा देंगे। ठीक है जी, बड़ी गर्मा गर्म बहस यहाँ पे चल रही है, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे अब इस बात का जवाब दे दें कि आप लोग अदालत जाने के बजाय माइजा हमीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आप एक पिटीशन लें, एविडेंसेस दिखाएं, आपके Hello? पास बड़े जबरदस्त लॉयर्स मौजूद हैं। माइजा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मुझे आ रही है। अच्छा माइजा मैं कह रही हूँ कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, हाई कोर्ट के अंदर जाएं, पिटीशन लें, एविडेंसेस लगाएं, आपके पास लॉयर्स बहुत अच्छे हैं, केस लड़ें, इमरान खान की बरियत को चैलेंज करें, खत्म मामला। गरीदा तो अगर हम एहतजाज भी कर लेते हैं इसमें क्या हर्ज है? अगर इमरान खान साहब चार हलकों के ऊपर सारी जो है सारे मुल्क में एहतजाज करते रहे और सड़कों पे आते रहे और खाली कुर्सियों को के ऊपर खिताब करते रहे, तो हम अगर आज पीडीएम जो है इतने बड़े बड़े जलसे करिए जिससे ये घबरा रहे हैं, अगर हम जो है धरना दे देते हैं या हम एहतजाज कर लेते हैं तो ये हमारा हक बनता है। मैंने आपको कहा है, हम दोनों चीजें
में कर लेंगे, हम पिटीशन भी दे देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपोजिशन में, हमारा राइट बनता है। मुझे एक बात करनी है, अभी आप सुनना जरा, देखें एक मैं इस बात से मुतफिक हूँ, मैं हमारी हुकूमत, इनका आईनी और कानूनी हक है ये एहतजाज करे, धरने दे, लेकिन ये गवर्नेंस पे हुकूमत पे बात करे ना अदालती फैसलों के खिलाफ, मुझे क्यों निकाला लेके कंटेनर आ जाते हैं सड़कों पे। इसी तरह इमरान खान को अदालत ने बरी किया उस फैसले के खिलाफ, ये धरना देने अदालत के फैसले के खिलाफ आ जाते हैं। आप हुकूमत के, महंगाई के, अवाम के इश्यूज पे आके धरने दें ना, अपनी अदालतों को क्यों कंट्रोवर्शियल करते हैं आप, अदारों को क्यों कमजोर करते हैं, अदारों को क्यों कंट्रोवर्शियल करते हैं। कभी आप अजीम पाक फौज को पकड़ लेते हैं, कभी आप अजीम जजेस को पकड़ लेते हैं हमारे, फिर आप आ जाते हैं FIA पे, NAB पे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था हमारी रेंजर्स पे, कोई एक अदारा आपकी नजर में काम नहीं कर रहा। इमरान खान का सब पे कंट्रोल है, चूंकि आप लोगों को मनपसंद फैसले नहीं मिल रहे इसलिए आपके तहफात हैं अदारों पे, कानून की बालादस्ती पे यकीन ही नहीं रखते ये लोग। इसका जवाब मैं निसार खोड़ो साहब से लेती हूँ। खोड़ो साहब आप बात सुन रहे हैं उस्मान डार साहब की, क्या जवाब देंगे? मैं समझ रहा हूँ जी, बात सुने, अगर कोई फैसला आया है तो उसके खिलाफ एहतजाज की बात मुनासिब है कि जी कोर्ट में कोई जा सकता है, कोर्ट में कोई जा सकता है, लेकिन अगर हम एहतजाज, अगर कोई फैसला हुआ है एहतजाज करने का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो का अख्तियार भूल गया है? किसी के एहतजाज पर नोटिस लेना क्या इदारों को भूल चुका है? क्या हम इस तरह से एहतजाज करके अपनी बात को रिकॉर्ड नहीं करा सकते? जब वो खुद कह रहे थे, जब वो खुद धरना दे रहे थे, तो उस वक्त क्या था? इलेक्शन कमीशन पर था ना, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जाके क्यों नहीं धरना दिया था? पार्लियामेंट के सामने धरना क्यों दिया था? इलेक्शन कमीशन कमेटी नहीं बन रही थी, पार्लियामेंट से चार हलके नहीं खुल रहे थे, इलेक्शन कमीशन में केसेस एक साल से पड़े हुए थे। माफ कीजिएगा, इमरान खान को एतराज था इलेक्शन कमीशन पे, उनके रिजल्ट पर। हमें भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एतराज है। इमरान खान ने उस वक्त गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि आप चार हलके खोल दें, गवर्नमेंट मीन्स उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो कि MNA भी थे, तो इसलिए फिर जाहिर है वो कौमी असेंबली के सामने आके, और अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि डी चौक पे धरना देना, जलसे जुलूस करना आईनी जमहूरी कानूनी हक है। माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है, इलेक्शन कमीशन खुद भी खोल सकती थी इदारे, वो इलेक्शन खोल सकती थी। ये क्या बात हुई कि जी 125 दिन धरना दिया हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत ने क्या खोलना था? इलेक्शन कमीशन के आजाद इदारा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन नहीं खोल सकता था? इलेक्शन पिटीशन पे पिटीशन उन्होंने खुद डाले हुए थे, और पिटीशन अगर डाले हुए तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जाके धरना देते, वो फिर पार्लियामेंट के सामने क्यों खड़े हुए थे? लेकिन वो पार्लियामेंट के सामने क्यों आए थे? उस्मान डार का पॉइंट है कि जी आप गवर्नेंस पे बात करें, आप महंगाई पे बात करें। गवर्नेंस की बात तो यहाँ है नहीं ना, क्योंकि आज गर्दिशी कर्जों का भी आया है कि वो एक बार फिर बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। गर्दिशी वो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, सर्कुलर डेट 2000 अरब डॉलर से पता नहीं अरब रुपए से कम ज्यादा हो गया, पिछले साल के मुकाबले में 1000 अरब रुपए से ज्यादा हो गया। ये गर्देशी कर दे, वो जाने उन्होंने क्यों किए, उनको जवाब देना चाहिए। खोड़ो साहब यही तो बात कह रहे हैं डार साहब के, इस पे आप अटैक करें ना, तनकीद करें, मतलब कि इस पे आप गवर्नमेंट पे तनकीद करें, गवर्नेंस पे करें, महंगाई पे करें, अवाम के इश्यूज पे करें, आप इदारों की बात ले आते हैं बीच में। मैं इमरान खान साहब का वकील नहीं बनना चाहता, उसने लोगों को मायूस किया है, उसने हर तरह से एक नेगेटिविटी पे चला गया है, इकोनॉमिकली नेगेटिव है, एग्रीकल्चर नेगेटिव है, लेबर मायूस है, बेरोजगार मायूस है, अवाम मायूस है, सब अगर मायूस है तो मुझे उनसे पूछना, तो हम पूछ रहे हैं ना जलसों में, PDM के जलसों में पूछ रहे हैं कि तुमने लोगों को मायूस किया है, अब तुम जान कब छोड़ रहे हो? ठीक ठीक, जान छोड़ो, इंसान को आजाद करो, इस पाकिस्तान को आजाद करो अपनी मुसीबतों से। उसका नाम पड़ गया है मुसीबत आजम, उसका नाम पड़ गया है मुसीबत आजम। देखे रीदा, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000
23 के इलेक्शन में ये पाकिस्तानी फैसला करेंगे कि वो हमारी 2023 मरियम नवाज कहती हैं 2021 में होगे इलेक्शन। देखिए ये तो इनकी रिहाइश ही रहेगी ना, अगर सर्टिफाइड ठप्पा लगी हुई करप्ट हुकूमत पीपल्स पार्टी की और तरीक साज महंगाई 25% तक गई थी, 5 साल दिए पाकिस्तानियों ने, इसी तरह 2013 से 2018 में हालात आपके सामने, तो 5-5 साल इन्होंने भी लिए हैं, इनको किस चीज की जल्दी है पूछने वाली बात है। इनकी इनकी महंगाई कौम भूल गई है, तीर से जो महंगाई ने बदन छन्नी कर दिए थे, शेर आटा खा गया था, शेर चीनी बिजली हर चीज हड़प कर गया था शेर, तो ये आप हौसला रखे 2023 में लोगों ने फैसला करना है, हम अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड अवाम में लेके जाएंगे, आप जल्द से जुलूस कीजिएगा, अवाम फैसला करेंगे कि अगले 5 साल किसको देने हैं। माइजा हमें 2000 जनाब जी खोड़ो साहब माफ कीजिएगा, जनाब माफ कीजिएगा, इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था 4 इलेक्शन की सीट पर, ये अवाम का एहतजाज है हुकूमत की नाकामी के खिलाफ। ठीक है हुकूमत जिसने हर तरह से नाकाम किया है लोगों को उसके खिलाफ एहतजाज है। इमरान खान का जलसा था, धरना था, ताहिरुल कादरी की मदद से धरना था, वो था 4 सीटों पर, 4 सीटों पर धांधली हुई है, इसलिए हम धरना देना है 130 दिन। ठीक है, भड़क मारी के 130 दिन धरना कोई देख दिखा, लेकिन खोड़ो साहब काम को आए। मेरा सवाल ये है कि आप 11 पार्टियां मिलके भी अकेले इमरान खान जितने लोग जलसे में इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, 11 किसी एक जलसे का कंपैरिजन कर ले, कराची का, गुजरांवाला का, क्वेटा का, सिंगल हैंडेडली मेरा कप्तान जलसे करता था, आपस में एक दूसरे की बिसाखियां नहीं लेता था, पीडीएम तो बिसाखियों पे खड़ी है एक दूसरे की, आप क्यों नहीं करते अकेले जलसे पंजाब में करें ना, अगर आप मेरा चैलेंज ले आप जलसा करें, अगर बिलावल भट्टो से ज्यादा मैं आपको बड़ा जलसा ना पंजाब में करके दिखाऊंगा तब बात कीजिएगा, ले मेरा चैलेंज आप धरना छोड़ दे बिलावल को, बिलावल पंजाब में कहां जलसा अकेले सिंगल हैंडेड करता है वो, ये तो बता आप लोगों को खुद ही यकीन नहीं है, इनको पता है खरीदा आवाम ने आना कोई नहीं, इसलिए सारे जेब कतरे इकट्ठे हो गए हैं और एक स्टेज पे इकट्ठी हो गई है, पहले एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे कौन को, देख कॉमेडी थिएटर लगता है जब ये स्टेज पे बातें कर रहे होते हैं, किस तरह एक दूसरे के बारे में। अच्छा माइजा जी खोड़ साहब आपकी आवाज आ रही है, मुसलसल आपकी आवाज आ रही है, तो मिलने क्यों गए थे ये मुझे बताओ, सीटी बजी तो मिलने क्यों गए थे, किसको मिलने, धरना छोड़ के मिलने क्यों गए थे मुझे ये बताओ, अगर अवामी पार्टी हो, अवामी पार्टी कहलाते हो अपने आप को, तो सीटी बजने पर मिलने क्यों गए थे, मुझे जवाब दो इसका, इसका जवाब दो। 2014 के धरने के दौरान ताहिरुल कादरी इमरान खान साहब को बुलवाया गया था ना पिंडी में, वहाँ मुलाकात के लिए क्या कहा था, किसने कहा था कि आप किसने रिक्वेस्ट की थी, ये भी कौम को बताए ना, मियां नवाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की थी उस वक्त की आर्मी चीफ को, ठीक है क्या बीच में आए, टाइम भी खत्म हो गया, टाइम करवाए। माइजा हमीद आपके लास्ट क्विक कमेंट प्लीज, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, ऑन एयर जाना है हम लोगों ने, थैंक यू बाय बाय। बस मैं आपको यही कहना चाहूँ, सॉरी अगर खोड़ो साहब बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप बोले माइजा प्लीज कहिए, बोलने देखें उस्मान डार साहब को कहें कि चीनी जो है बहुत महंगी हो गई है और आटा जो है वो उससे भी ज्यादा महंगा हो गया है, लोगों का खाना पीना जो है वो मुश्किल हो गया है, लोगों का खून चूसना बंद कर दें, 500 लोग बाहर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहब, उस्मान डार साहब, सारे खोड़ साहब, ये था आज का प्रोग्राम, अलसी टुमारो, अल्लाह हाफिज़।